हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ सिंक्रोनाइजर रिंग के बारे में। ये मैं सिंक्रोनाइजर रिंग इसका चेंज कर रहे हैं, डीजल वर्जन आर्टिगा है और मारुति की गाड़ी में सेम ही जो है डीजल का गियर बॉक्स है सभी गाड़ियों में, तो इसका मैं चेंज कर रहा हूँ सिंक्रोनाइजर रिंग। इसमें गियर प्रॉब्लम था फंसने की, तो ये देखिए आप जो है ये ओल्ड वाला है हमारा, जो ये ओल्ड वाला हमारा हब स्लिप, ये सिंक्रोनाइजर रिंग और ये उसका लॉक है। आप देख सकते हैं जो पुराना वाला लॉक आते थे ना, तो इस तरह के लॉक आते थे और ये उसका स्प्रिंग लॉक था। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी पुराने वाले में कि ये जो है जब गियर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता था ना, गियर ऑयल का, तो ये इसका टेम्पर खत्म हो जाता था। जब टेम्पर खत्म होने की वजह से क्या होता था कि ये सिंक्रोनाइजर रिंग जल्दी कट जाता था, गियर फंसने लगते थे। तो मारुति ने क्या किया कि इसको अब बंद कर दिया। अब आप पुराना इसका पार्ट नंबर से भी ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा। मारुति ने इसको क्लोज कर दिया पार्ट नंबर, अब नया डाला है। तो नया वाले में क्या है कि इस तरह के आप लॉक मिलेगा आपको। अब देखिए इस तरह का लॉक मिलेगा और इसका कैसे फिटिंग होगा वो मैं बताने वाला हूं। तो इस तरफ देखिए मैं पुराना पड़ा हुआ है हब स्लिप, सिंक्रोनाइजर रिंग और लॉक, और इस तरफ हमारा नया पड़ा हुआ है हब स्लिप, सिंक्रोनाइजर रिंग और इसका ये लॉक। तो आपको क्या करना होगा कि जब हम ये नया वाला जब ये सिंक्रोनाइजर रिंग डालेंगे ना, तो हब स्लिप आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप हब स्लिप चेंज नहीं करेंगे तब तक ये नया वाला आपको ये सिंक्रोनाइजर रिंग आप नहीं डाल सकते। तो ये कैसे फिटिंग होगा अब मैं बताने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट गियर है और फर्स्ट गियर को हम फिटिंग करते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट गियर हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिंक्रोनाइजर रिंग बैठा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह जूम करना, ये चार खांचे जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये हमारे देखिए चार सिंक्रोनाइजर रिंग बना हुआ है। इसमें हम इसको फिट कर देंगे डायरेक्ट ऐसे ला करके, अब बहुत आराम से ये हो जाता है ये इस तरह से। और आप देखिए ये फिट हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हब स्लिप बैठाना है। तो हब स्लिप कैसे रहेगा आप देखिए, जरा जूम करिए इधर देखिए, ये जो नंबर वाला होता है ना ये हमेशा ऊपर होता है किसी भी गाड़ी में। आप देखेंगे जो भी नंबरिंग होगा, जो भी अगर कंपनी कुछ मैच पैच करके देती है या कुछ नाम नंबर या कुछ भी डाल करके देती है, तो वो हमेशा ऊपर होता है, टॉप पे रहेगा। तो ये आसान होता है समझने का। तो हम इसको ऐसे फिट करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे अभी लॉक बैठा लेते हैं पहले। और ये देखिए ये लॉक जो है ना, इसको हम क्या करेंगे इस तरह से बैठा लेंगे, ये रहेगा। जरा क्लियर दिखाइए, ये देखिए ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी ग्रीस लगा लेंगे, अभी गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे अभी ग्रीस लगा करके इसको लगा लेंगे और इसको हमने ऐसे बैठा दिया। अब ये देखिए अब ये नहीं गिरेगा इस तरह से। हम जो है तीसरा भी लगा लेंगे, ये देखिए ये लग गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये हब स्लिप को बैठा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको बैठाने जा रहे हैं स्लिप हब, और देखिए ये लॉक मैंने तीनों बैठा ली दिया है, आप लोगों ने देख लिया। और इसको थोड़ा सा छर्रा दबा करके इस तरह से और आराम से बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। देख रहे होंगे आपकी लॉक निकला हुआ है हल्का सा, इसको हम इस तरह करेंगे और थोड़ा सा दबा करके बस इसको ऐसे करके, और ये देखिए आराम से बैठ गया ये। अब ये देखिए दोनों तरफ का लॉक ये बैठा हुआ है। और इसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट हम इसको इस तरह से फिट कर देंगे इसके अंदर ये। अब देखिए बिल्कुल आकर के परफेक्ट ये बैठ गया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा गियर डालेंगे दो नंबर वाला, ये वाला। तो इसके अंदर देखिए बैरिंग है, तो मैंने क्लीन वगैरह सब कर लिया है, थोड़ा सा बैरिंग में हल्का सा ग्रीस लगा लेते हैं। और लगाने के बाद में ये दूसरा वाला सिंक्रोनाइजर रिंग हम इसको पहले बैठा लेंगे, और दूसरा वाला सिंक्रोनाइजर रिंग बैठाने के बाद में उसके बाद हम गियर को फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस इधर भी वैसे ही होगा, जो ये लॉक वाला सिस्टम है ना ये वाला वैसे ही होगा। तो इसको हम पहले यहाँ पे फिट कर लेते हैं, इसमें इस तरह से रख लिया और गियर डाल लेते हैं ये। उसके बाद बैरिंग बाद में भी आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हो गया, तो ये पहला गियर, ये दूसरा गियर और ये हब स्लिप हो गया आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा गियर उसके बाद ये वाला गियर हो जाएगा और ये इस तरह से प्लेन जो है ना ये इधर आएगा। ये हल्का सा इसको ठोकना पड़ जाता है कभी कभी, इसके बाद फिर ये वाला हमारा, और ये वाला जो गियर आएगा ये वाला ये प्लट करके आएगा ऐसे, और इस पर भी थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, चोट देनी पड़ेगी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये साफ पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, पहला गियर दूसरा गियर और ये सारा बैरिंग वगैरह फिट कर दिया। अब जो है इसको हब में हम फिट करते हैं हाउजिंग में और बताते हैं कि कैसे ये फिटिंग होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास दोनों ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें हम क्या करेंगे सिलेक्टर रॉड अब फिट करते हैं।
तो ये देखिए ये बड़ा वाला है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे फंसाएंगे इसको, ये हो गया, और इसको साथ में हम ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाला हम ले लेंगे यहाँ से, और ये देखिए ये फिट हो गया। और यहाँ पे क्राउन डालो जरा, अब देखिए ये हमारा क्राउन इसमें टेल पिनियन फंस गया, और इस वाले गियर में, और यहाँ पे ये इससे चलता है, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा पुश करना होगा बैठालने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, और एक साथ ऐसे बैठ जाएगा ये, ये बिल्कुल। और इसके बाद अभी हम बैक गियर के बारे में बता दे रहा हूं कि बैक गियर कैसे फिट होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये बैक गियर है, और अभी इंस्टा पे जो मैंने डाला था वीडियो उसमें भी बोले थे कि गियर के बारे में सर आपने बता दिया बैक गियर कौन सा था। बैक गियर देखो भैया ये छोटा सा होता है और सबसे साइड में लगता है, ये इकलौता होता है बेचारा, तो इसको सबसे साइड में इसको डालते हैं, और इस तरह से जो है बैक गियर हमारा ये फिट हो गया, और इसको सेंटर हमें लेना जरूरी होता है, हम बताएंगे इसके बारे में अभी। तो ये बैक गियर का हो गया, ये फिट हो गया यहाँ पे, और इसके बाद क्या होगा कि ये वाले जो सब सिलेक्टर देख रहे हैं, और ये दोनों चीजें जरूरी हैं इसमें फिट करना। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये वाला तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला हमारा इसमें जाकर के फिट होगा, ये दो बोल्ट यहाँ पे टाइट होंगे इस जगह पे, और ये देखिए ये वाले जो लीवर देख रहे हैं ये जाकर के इसमें फिट हो जाएगा इस तरह से ऐसे, और ये वाला जो सिलेक्टर है ये वाला, ये हमारा इस जगह पे आएगा इस तरह से इसमें, ये बोल्ट फंसाइए इसमें 12 नंबर, और ये टाइट हो गया, और ये इसका फिटिंग है। उसके बाद अब ये वाला, ये ऊपर वाला हाउसिंग डाल करके फिर पांचवा गियर में कैसे फिट होगा वो मैं बता दे रहा हूं अभी। फ्रेंड्स ये देखिए ये बैक गियर वाला है, और ये जब हम हाउसिंग फिट करेंगे ना तो यहाँ पे ये बैक गियर का देखिए ये बोल्ट लगेगा ये वाला, और इसका थोड़ा सा सेंटर लेना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं इसमें है, सिर्फ ये सेंटर इसमें आना चाहिए, बाकी अभी हम फिट करके दिखा रहे हैं। तो आप देखिए ये बैक गियर वाला है, ये देखिए ये, और ये बोल्ट हमें इसको फंसा लेंगे, अब देखिए बिल्कुल आ गया सेंटर में, और इसको हम प्रेस भी कर देते हैं बिल्कुल, ये देखिए बैठ गया, और ये बोल्ट फंस जाएगा, और बाकी ऊपर जो है इसमें अभी लॉक फंसेगा, ये इसका हम प्रोसेस बता रहे हैं अभी, लॉक का लॉक फंसेगा, उसके बाद क्या पांचवा गियर ये सब फिट होंगे। पहले ये हम एक बैक गियर वाला बोल्ट लगा दे रहे हैं इसमें, तो ये देखिए ये बोल्ट भी इसका अलग होता है थोड़ा सा, टाइट करिए इसको कुछ कुछ। इसके बाद क्या करेंगे, ये लॉक इसमें हम फिट करेंगे ये वाले में, तो ये देखिए लॉक फिट हो गया। अब उधर जब इसके बाद क्या होगा, ये सिम पड़ेगा यहां पे, सिम पड़ने के बाद में ये वाली प्लेट हमारी टाइट होगी इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए ये प्लेट टाइट हो गया है, और अभी हम पांचवा गियर डालने जा रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो डॉट है ये ऊपर रहेगा ये वाला, और हम इसको डायरेक्ट इसे अब फिटिंग कर देंगे इसको डायरेक्ट इसके साथ में, और इसमें 10 नंबर बोल्ट टाइट हो जाएगा, अब देखिए ये फिट हो गया, इसमें नट टाइट होगा, इसमें 10 नंबर बोल्ट टाइट होगा, तो फ्रेंड्स ये वाला गियर अब लगाने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और ये गियर बहुत आराम से ये फंस जाता है, क्या हुआ कहां फंस गया, ये देखिए ये लग गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाशर देंगे इसको, और वाशर दे करके ये नट बोल्ट से ये नट टाइट हो जाएगा, और इसके ऊपर भी ये नट रहेगा, ये नट ये भी टाइट हो जाएगा इस पे भी, देख सकते हैं ये भी टाइट हो गया, और इसको हम नट को लॉक जरूर करेंगे याद से। फ्रेंड्स इसको हम अब फिट करने जा रहे हैं, तो देखिए ये न्यूट्रल है, ये देख रहे बिल्कुल बराबर है ना, ये बराबर करके और हमें इसको फिट कर देना होता है बस,
बोल फंसा था, एक इधर फंसा था। फ्रेंड्स आप देखिए हमने इसको फिट किया है और ये न्यूट्रल पे है। देखिए ये दोनों तरफ अगर जा रहा है ना ये, तो समझिए कि हमारा परफेक्ट है न्यूट्रल पे। और इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला बोल्ट इसमें हम फंसा करके इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करिए जल्दी से, और उसके बाद हम गियर अभी शिफ्ट करके सब चेक कर ले रहे हैं कि सारे गियर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। इसको टाइट करिए। तो फ्रेंड्स ये फिट हो गया, अब देखिए ये न्यूट्रल, और हम गियर चेन चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल शिफ्ट हो रहा सही से। ये देखिए, ये देखिए, ये, ये, इन सारे गियर बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं। और हम इसको अब चिंबर बांध कर गियरबॉक्स जो है फिट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।